परम श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित सभी ब्रह्म वृंद, सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं कार्यकर्ता बंधु, इस जलस्तंभ के अनावरण के लिए यहां आना ऐसा तय हुआ था। स्वाभाविक बात है, यहां आएंगे तो श्री महाकाल का दर्शन पूजन ये तो होना ही चाहिए। बाकी बातें जुड़ गई है, उसमें कुछ तो सुसंगत है जो दो स्मरणिकाओं का, ग्रंथों का विमोचन हुआ वो बिल्कुल सुसंगत है। ये जो लगातार उपक्रम चला है उसकी एक कड़ी है, उसमें जो जो कुछ हुआ है उसका संग्रह उसमें आया है। लेकिन ये जो अभिनंदन पत्र और महर्षि दधीची जैसों से तुलना, ये सब अब जुड़ गई है। मैं ये जानता हूं, मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यक्रमों के समारंभ होना और समारंभों के उत्सव होना ये भारतवर्ष का स्वभाव है। ऐसा वो हुआ है, वास्तव में दधीची जैसी तपस्या करने वाले बहुत लोग पीछे है, कुछ हो चुके, कुछ आज है और कुछ कल होने वाले है, जिनमें मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर नहीं है इसलिए उन्होंने मुझे यहां रखा है, तो सामने मैं आता हूं। ये सब उन्हीं का पुण्य प्रताप है जो संघ के बारे में अच्छे अच्छे शब्द हमको सुनने को मिल रहे हैं, नहीं तो हमको तो कभी संघ के बारे में अच्छा सुनने की आदत रही नहीं। खैर, प्रसंग का उत्सव हुआ है, लेकिन यह प्रसंग गंभीर प्रसंग है जो हम जानते हैं, एक तरह से प्रतीकात्मक है, एक तरह से करने लायक। जलस्तंभ का अनावरण हुआ है, शिव जी के सर से गंगा निकली, उनसे निकली इसलिए कि वही उसको धारण कर सके। अगर सीधे उतर जाती तो पृथ्वी का विदारण करके फिर से पाताल में चली जाती, लेकिन लोक कल्याण की बुद्धि से उसको अपने सिर पर तोलने वाले शिव थे। जैसे समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक को पचाने वाले शिव थे, इसलिए बाकी 13 रत्नों का लाभ जिन जिन को जैसा लेना था वो ले सके, वैसे इस गंगा का भी लाभ त्रिलोकों को इसीलिए हुआ कि उसको धारण करने वाले शिव थे। ये जो जल है हम जानते हैं जीवन की आवश्यकता है, जीवन का उद्गम भी वही है और जीवन का पोषण भी वही है। तो जलस्तंभ का हमने अनावरण किया। अब ये जलस्तंभ मंदिर के प्रांगण में क्यों है, इसलिए कि प्रायः मंदिरों के साथ जल जुड़ा रहता है, क्षिप्रा के किनारे हम है, नदी नहीं होती तो पुष्करिणी तो होती ही है, कुंड तो होता ही है, और ये सारा भगवान की पूजा और भगवान के भक्तों का जीवन धारण पोषण इसमें लगता है। तो भगवान की पूजा में जो लगेगा उसका तो कोई नाप नहीं है, जितनी करेंगे उतनी उतना थोड़ा है, उसी की वस्तु है, उसी को समर्पित कर रहे हैं, अहंकार भी नहीं रखना चाहिए। परंतु हमारे पोषण संरक्षण में लगेगा तब इसकी अति भी नहीं होनी चाहिए और इसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर जल स्रोत में अगर मर्यादा से अधिक कम हो गया तो सावधान करने वाला, और मर्यादा से ऊपर चला तो भी सावधान करने वाला कि बाढ़ आ रही है। एक स्तंभ हर जगह लगा रहता है
परंपरागत अपने जो तालाब है, कुंड है, नदियां हैं, कहीं ना कहीं आपको ये स्तंभ लगे हुए मिलेंगे, उनको कहते हैं जलस्तंभ। तो हमारे लिए ये एक नाप है, मेजर है, हमारी अपनी करनी से जल की कमी नहीं हो रही, जल की अति नहीं हो रही, इसको सतत देखते रहना पड़ता है। इसका स्मरण देने वाला ये जल स्तंभ है, हम इसका रोज दर्शन करें और इसका भी चिंतन करें कि ऐसा तो मेरे करने से नहीं हो रहा है ना, मेरा करना कहीं दुनिया में जल की कमी को बढ़ा नहीं रहा है ना, और मेरे करने से जल का कहीं अपव्यय नहीं हो रहा है ना। ज्यादा हो जाता है तो अपव्यय हो जाता है, बाढ़ तो नहीं आएगी हमारे करने से, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे करने से बाढ़ भी आती है। शहरों में पानी के निकासी के रास्ते हम बंद कर देते हैं और एक दिन अच्छी वर्षा हो जाती है तो फिर दूरदर्शन पर अमुक शहर जलमग्न हो गया, लोग छाते को उल्टा करके उसकी नौका बना के जा रहे वगैरह वगैरह सारा देखने को मिलता है। अरे पहले होता नहीं था, आज क्यों हुआ? पटना शहर है, पटना पुराना पटना, वो गंगा की बिल्कुल ही निकट है ना, तट पर ही है, वहां कभी भी पानी रुकता नहीं, बाढ़ आने पर भी शहर में पानी आता नहीं, और उससे 20 गुना बड़ा नया पटना बसा है, गंगा से दूर है, लेकिन वहां अतिवृष्टि होने से बाढ़ आती है और पानी भी ठहरता है जो 4 महीने उतरता नहीं। ये दोष तो गंगा जी का नहीं है, ये दोष तो बनाने वालों का, उपयोग करने वालों का है। इस जलस्तंभ के दर्शन से और उसके दर्शन के पीछे अपने चिंतन से हम इस अयोग अतियोग या मिथ्या योग की गलती से बचेंगे। और जल ये एक हमारे हमारी दृष्टि, जब हम जल कहते हैं तो हमको पानी दिखता है, किसी शास्त्रज्ञ को पूछेंगे तो वो कहेगा हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 है, लेकिन जल केवल इतना नहीं है। जैसा मैंने कहा, जल जीवन का स्रोत भी है, तो जल एक तरह से जीवन ही है। और ये जीवन मनुष्य को क्यों मिला है, पशुओं को क्यों मिला है, पशु नहीं जानता, वो तो जन्मा है इसलिए मरते दम तक जिएगा, जैसा भी जिएगा लेकिन जी लेगा, मार खा के जिएगा, दूसरों को मार के जिएगा, लेकिन जीते रहेगा, मरता नहीं तब तक चलते रहेगा, आत्महत्या नहीं करता, अपवाद होते हैं लेकिन सामान्यतः पशु आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसको विचार ही नहीं है, भाने ही नहीं है, ये जानकारी नहीं है। मनुष्य का ऐसा नहीं है, मनुष्य इस सृष्टि का घटक, पशुओं जैसा वो भी एक घटक है, प्रकृति में वृक्ष है, प्रकृति में पक्षी है, वैसे मनुष्य भी है, परंतु मनुष्य को जो बुद्धि मिली है, विचार शक्ति मिली है, कॉग्निटिव एबिलिटीज ऐसा विद्वान कहता है, वो मिले ही, वो किस लिए मिली है कि ये मनुष्य सृष्टि में रहकर सारी सृष्टि का योगक्षेम ठीक चले इसको देखे, जिसको कहते हैं धर्म, धर्माचरण। धर्म अकेले के लिए नहीं होता, एक आदमी है तो बिना धर्म के भी काम चलेगा, केवल उसके शरीर मन बुद्धि इसका धर्म देखना चाहिए। धर्म तब होता है जब हम सब होते हैं, हमको सबकी चिंता करके रहना है तो कैसे रहना, तो इस पर 4 श्लोक है। तो उसमें क्या क्या लिखा है देखिए, पहले जल का महत्व है, अपसुमे सोमो अब्रवीत दंतर विश्वानि भेषजा। सोमदेव ने मुझे कहा है कि जल में सारी औषधियां निहित है, विश्व का सारा चिकित्सा करने वाला जो तत्व है वो पानी में है, और ये वास्तविकता है, और भारत के लिए तो है ही।
क्योंकि भारत की परंपरा में आयुर्वेद है और आयुर्वेद की अधिकांश दवाइयां ये वाटर बेस्ड ऐसा कहेंगे आज अंग्रेजी में ऐसी होती है। पाश्चात्यों की भी चिकित्सा चलती है, उनकी अधिकांश दवाइयां देखें आप तो अल्कोहल बेस्ड होती है। इसलिए जिसको पहले से आयुर्वेद की आदत है उस पर एलोपैथी बहुत ज्यादा परिणाम नहीं करेगी, और जो पहले से एलोपैथी ही ले रहा है उस पर आयुर्वेद का असर होगा तो जरूर, लेकिन देर से होगा, क्योंकि शरीर को जिस मूल तत्व की आदत है वो इन चिकित्साओं में बदल जाता है। हमारे यहां जल ये विश्व के भेषज को अपने में समाहित करने वाला तत्व है, तो इस जल को पानी करके नहीं पीना है, इस जल को ये मेरे शरीर का पोषण करने वाला और रक्षण करने वाला तत्व है ऐसे लेना है। ऐसे लेना है तो पानी को कृतज्ञता बुद्धि से देखना पड़ेगा, ये मेरा पानी नहीं है, ये पानी भगवान ने जीवों के लिए एक औषधि निर्माण करके रखी है। भगवान के प्रति भक्ति और इस औषधि के प्रति कृतज्ञता मन में रहनी चाहिए। भक्ति और कृतज्ञता से जिसका जीवन होता है उसका जीवन विश्व को आगे बढ़ाता है, और अश्रद्धा और स्वार्थ के लिए जीने वाले लोग जीवन को पशु से बदतर जीवन बनाते हैं। हम मनुष्य है, हमको क्या चुनना है उसकी याद स्तंभ देता है। ऐसे ही आगे कहा है कि इस जल का ग्रहण मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं ये समझकर कर रहा हूं कि ये मेरी आत्मरक्षा है। यानी शरीर मन बुद्धि से बना ये भौतिक शरीर उसकी रक्षा तो है ही, लेकिन ये सरस रहेगा, सतेज रहेगा, काम करेगा तो इस मनुष्य शरीर का ही ये गुण है कि ये जीवन के भौतिक तत्वों में नहीं ठहरता, वो ऊपर उठना चाहता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् वहां रुकता नहीं, वो धर्म और धर्म के मूल में अध्यात्म उसकी ओर जाता है, सत्य को जानना चाहता है, और सत्य को जानते हुए भी एक प्रवाही सहानुभूति जिसको करुणा कहते हैं, जल जिसका एक प्रतीक माना जाता है उसका भी प्रवाह उसके अंदर रहता है। और इसलिए एक ऋचा में यह कहा है कि इस जल से हमारे बुद्धि के घोड़े दौड़ते रहे, हमारी इंद्रिया हमारे जीवन को धारण करने में सक्षम हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि मनुष्य जन्म लेकर हमको स्वस्थ रहकर धर्म साधनम करना है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन करने के लिए एक टूल है हमारा शरीर मन बुद्धि, स्वार्थ में फंसने के लिए नहीं है, पाप करने के लिए नहीं है, परोपकार करने के लिए। और इसलिए इस जल की महत्ता इन श्लोकों में गाई गई है, और इसको आत्मरक्षा का मंत्र भी बताया गया है, और इसके द्वारा सुख मिलता है, क्योंकि अगर हम पशु जैसा व्यवहार करने लगे तो सभी दुखी होंगे। आखिर मनुष्य के रहते दुनिया सुखी हो, इसका उपाय क्या है? मनुष्य धर्म से चले तो सारी दुनिया सुखी हो जाती, क्योंकि बाकी सबको यह धर्म बंधन के रूप में मिला है। मनुष्य को चुनने का स्वातंत्र है, तुमको बनाया है, तुम चाहते हो तो करनी करके नारायण बन सकते हो, अगर तुम उल्टा चाहते हो तो तुम नराधम भी बन सकते हो। बनना क्या है? बनना क्या है ये सतत ध्यान में रहे, इसलिए
जहां से विश्व शुरू होता है, पहले काल की उत्पत्ति हुई और विश्व का प्रारंभ हुआ, उन महाकाल के साथ साथ यहां एक स्तंभ है, जल स्तंभ। हम महाकाल का दर्शन करें, उज्जैनी वासी बड़े भाग्यवान है, वो रोज कर सकते हैं, बाकी लोग स्मरण तो कर सकते हैं। जैसे महाकाल जी का दर्शन करेंगे, स्मरण करेंगे, वैसे इस स्तंभ का भी दर्शन और स्मरण हम करें और अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप को महाकाल जी की इच्छा के अनुसार, यह सृष्टि धर्म प्रवर्तित होते रहे, उनकी इच्छा है तब तक, इसलिए धर्म प्रवण जीवन बनाए। मैं समझता हूं आज के कार्यक्रम का यह अर्थ है। मैं ज्ञानी तो हूं नहीं, ज्ञानी लोग वहां बैठे हैं, इधर बैठे हैं, वो कुछ और कहना चाहेंगे वो कह सकते हैं और वैसा आपको करना है, लेकिन मेरी अल्पबुद्धि में मैंने जो विचार किया, मेरी ये बात ध्यान में आई, अगर आपके उपयोग की आपको लगता है और उचित है ऐसा लगता है तो कृपया उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि अगर ये बात मेरी सही है और उचित है तो ऐसा करने से अपने जीवन का और सारे विश्व का भी बहुत कल्याण हो सकता है। ये इस बात में सब लोग सहमत होंगे, ये मेरा विश्वास है, इसलिए ऐसा स्मरण और दर्शन रोज करने का अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं।